वेलकम टू एग्जाम स्टडी फन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम 151 क्वेश्चन से। बाकी के पार्ट आपने नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, चैनल पे भी अपलोड है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप देख सकते हैं। 151 क्वेश्चन, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी, यानी कि उसने पहले दिल्ली राजधानी थी फिर वहां से बदल के दौलताबाद ले गया था, वो कौन सा शासक था? वो था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक जी ने ही दिल्ली से दौलताबाद राजधानी शिफ्ट की थी उस टाइम पे। नेक्स्ट है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी? जो प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई थी वो हुई थी 1951 ईस्वी में। नेक्स्ट है, चीनी यात्री ह्वेन सांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? जो चीनी यात्री था ह्वेन सांग, इसने जो विद्यालय में अध्ययन किया था वो था नालंदा विश्वविद्यालय था। नेक्स्ट है, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है, जो कि सबको रक्त दे सकता है? वो है केवल ओ लेवल का ही एक वर्ग ग्रुप ऐसा है जो कि सबको रक्त दे सकता है, और जो सबके सबसे रक्त ले सकता है वो है ए बी। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती है। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी होता है। मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? मादा एनाफिलीज नामक जो मच्छर है इसके काटने से होगा मलेरिया रोग हो जाता है, जिसको बुखार बोलते हैं। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीफोन का आविष्कार किया था एलेक्जेंडर ग्राहम बेल। नेक्स्ट है, प्रकाश की गति कितनी होती है? प्रकाश की गति होती है 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड। चलिए, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया था? पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है इसके बारे में बताया था कोपरनिकस जी ने, बताया था सबसे पहले। नेक्स्ट चलिए, प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? तो जो प्रकाश वर्ष बोलता है यह एक खगोलीय दूरी होती है जो कि नापी जाती है, खगोल की जो दूरी नापी जाती है वो प्रकाश वर्ष की सहायता से ही नापी जाती है। नेक्स्ट चलिए, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? स्वर्ण मंदिर है अमृतसर में स्थित, जो कि पंजाब में पड़ता है। चार मीनार कहाँ स्थित है? चार मीनार है हैदराबाद में स्थित। और जी, कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? कुतुब मीनार है दिल्ली में स्थित। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया है मुंबई में स्थित। और यहाँ पे कन्फ्यूज़न बन जाती है, गेटवे ऑफ इंडिया जो कि मुंबई में है, और एक होता है इंडिया गेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडिया गेट कहाँ स्थित है? तो वो है नई दिल्ली में। इंडिया गेट तो है नई दिल्ली में स्थित और गेटवे ऑफ इंडिया है मुंबई में स्थित। इन दोनों में कन्फ्यूज़ मत होना। एक बार फिर ले लेता हूँ मैं इनको, स्वर्ण मंदिर अमृतसर में है, चार मीनार हैदराबाद में है, कुतुब मीनार दिल्ली में है, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है, और इंडिया गेट नई दिल्ली में है। ताजमहल है आगरा में स्थित, जो कि शाहजहां ने बनवाया था, सबको पता भी होगा। और नेक्स्ट है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो वो की गई थी सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को, ये देख लीजिए 5 सितंबर। खेल दिवस कब मनाया जाता है? खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को, 29 अगस्त। ओके, नेक्स्ट चलिए, किसके जन्म पर खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो जो खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है वो मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दे दिया था। जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा दिया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, और इन्होंने एक और नारा दिया था दिल्ली चलो का नारा दिया था ये भी सुभाष चंद्र बोस ने। वेदों की ओर लौटो कई बार रिपीट हो चुका है, ये आपको पता भी होगा और नहीं पता तो अब याद कर लेना। वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था दयानंद सरस्वती जी ने। ओके, नेक्स्ट चलिए, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था भगत सिंह जी ने। नेक्स्ट है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? ये भी दिया था सुभाष चंद्र बोस जी ने। आराम हराम है, आराम
आराम हराम है का नारा दिया था जवाहरलाल नेहरू जी ने। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया है? तो ये दिया है लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया है, जय जवान जय किसान। और एक नारा और है, जय जवान जय किसान और जय विज्ञान। जय विज्ञान भी आते ही हो जाएगा, वो नारा होता है अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया था, जय जवान जय किसान और जय विज्ञान। नेक्स्ट है मारो फिरंगी को। मारो फिरंगी को का नारा दिया था मंगल पांडे जी ने दिया था, जो कि प्रथम क्रांतिकारी भी थे। मारो फिरंगी का नारा दिया था मंगल पांडे जी ने। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये नारा किसने दिया था? तो ये नारा दिया था राम प्रसाद बिस्मिल जी ने। राम प्रसाद बिस्मिल जी का ये नारा है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ओके, नेक्स्ट चलिए, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का जो नेपोलियन कहा जाता है, वो कहा जाता है समुद्रगुप्त को। ठीक है, सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा है? जो सती प्रथा का अंत करने का प्रयास किया है सबसे ज़्यादा, वो किया है राजा राम मोहन राय जी ने। राजा राम मोहन राय जी ने सती प्रथा को जड़ से ख़त्म करने के लिए सबसे पहले प्रयास किया था। और जी नेक्स्ट है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद जी ने। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? सबको पता है 2 अक्टूबर को मनाया जाता है महात्मा गांधी दिवस। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? जिनको नहीं पता है वो देख लीजिए, मोहनदास करमचंद गांधी इनका पूरा नाम था। पहले ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता था, अब तो कभी कभार पूछ लेते हैं या नाम भी नहीं, तो वैसे याद रख लेना मोहनदास करमचंद गांधी। नेक्स्ट है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो जो ये महात्मा की उपाधि दी थी, ये दी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था महात्मा गांधी को, गांधी जी को महात्मा। ओके, नेक्स्ट चलिए, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये पुस्तक इन्होंने लिखी थी महात्मा गांधी। महात्मा गांधी हमेशा ट्रुथ यानी कि सत्य के साथ चलते थे, इसलिए उन्होंने ये पुस्तक लिख डाली थी, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, महात्मा गांधी की पुस्तक है। ओके, ऐसे याद कर लेना, सच्चाई के साथ हमेशा चलते थे, इसलिए इन्होंने ट्रुथ के ऊपर एक पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट चलिए, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? जो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो है भारत रत्न। अगर भारत रत्न मिल गया तो यही हमारे भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। नेक्स्ट है, फिल्म में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? तो फिल्म में जो सबसे बड़ा पुरस्कार दिया जाता है वो दिया जाता है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। ये फिल्मों का सबसे बड़ा अवार्ड है। ओके, नेक्स्ट चलिए, भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताइए। भारत का जो सर्वोच्च वीरता पदक है वो है परमवीर चक्र, जो कि बहादुर सिपाहियों को दिया जाता है, जो बहुत बढ़ के साहस का काम किया जाता है, उसको वीरता पुरस्कार दिया जाता है। और सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है परमवीर चक्र। परमवीर चक्र है सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार। नेक्स्ट चलिए, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? भारत का जो शेक्सपियर है हमारा कालिदास जी है। हमारे कालिदास जी को ही भारत के शेक्सपियर के नाम से जाना जाता है। और नेक्स्ट है, कंप्यूटर के पिता किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का जो पिता थे वो थे चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक या कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? जो अंतरिक्ष में सबसे पहले गए थे यात्री, वो गए थे यूरी गागरिन, जो कि रूस देश से थे यूरी गागरिन, ये सबसे पहले अंतरिक्ष में पहुंचे थे। नेक्स्ट है, चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? चंद्रमा पर कदम रखने वाला था नील आर्म स्ट्रोंग। इसको याद कैसे करेंगे? देखो इनके नाम में आ रहा है स्ट्रोंग, और स्ट्रोंग आदमी ही कदम रख सकते हैं कहाँ? चंद्रमा पर। चंद्रमा पर कदम रखने वाला वो कौन था? स्ट्रोंग आदमी था, तो उसका नाम से बन जाएगा, स्ट्रोंग से पकड़ लोगे आप, नील आर्म स्ट्रोंग। ओके, नेक्स्ट चलिए, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? जो अंतरिक्ष में पहले भारतीय गए थे भारत की तरफ से, वो गए थे राकेश शर्मा जी। वैसे तो हम बता दें, इससे पहले कौन गए थे? इससे पहले जो सबसे पहले गए थे विदेशी अंतरिक्ष में जाने वाला, वो कौन था? वो था यूरी गागरिन। ओके, यूरी गागरिन जो कि रूस से थे सबसे पहले, तो ये गए थे। और अगर हमारे भारत की तरफ से आ जाए कि भारत की तरफ से कौन आया था अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो वो थे राकेश शर्मा जी। राकेश शर्मा जी भारत की तरफ से अंतरिक्ष में जाने वाले
प्रथम भारतीय थे। ओके नेक्स्ट चलिए, प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है जिस और इसे कब छोड़ा गया था? तो जो पहला भारतीय उपग्रह का नाम कहा जाए तो वो है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट है पहला उपग्रह और इसको सबसे पहले कब छोड़ा गया था? वो छोड़ा गया था 1975 ईस्वी में। तो क्या बन जाएगा? प्रथम भारतीय उपग्रह है आर्यभट्ट है और सबसे पहले इसे छोड़ा गया था 1975 ईस्वी में। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? जो संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव है वे बान की मून है। नेक्स्ट है 200 क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात हो रही है 8 मार्च को। आज कितनी है? आज 7 मार्च है, यानी कि जो कल का दिन आएगा, कल जो मनाया जाएगा वो मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। इसलिए जितनी भी महिलाएं मिले सबको महिला दिवस आप विश करना, क्योंकि कल मनाया जाएगा 8 मार्च को महिला दिवस। ओके यहाँ तक याद रखो। आगे के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में कवर अप कराएंगे। और जो नए मेहमान आए हैं हमारे चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ ही बगल में एक घंटा आ जाएगा बना हुआ, उसको अभी दबा दीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, हमारी नेक्स्ट न्यू वीडियो अपलोड होते ही आपको तुरंत मिल जाए। और अभी तक झेलने के लिए मेरे को आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, टेक केयर।